तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ईवे बिल को ईवे बिल के पोर्टल से कैसे जनरेट किया जाता है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ईवे बिल का थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था। क्या लिमिट होती है ईवे बिल, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ईवे बिल को जनरेट करने की, कब ईवे बिल जनरेट नहीं करना है, ये सारी पर्पस क्या होता है ईवे बिल का, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले थ्योरी पार्ट कवर कर लें फिर आज इस लेक्चर को देखें, तो आज का लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम सिंपली देखेंगे कि जीएसटी में ईवे बिल को जनरेट करते कैसे हैं। तो ये है हमारा जीएसटी पोर्टल, और जीएसटी पोर्टल में अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर शो कर रहे हैं। हमें जाना है लॉगिन पे, ठीक है। और अगर आपने अभी अपना आईडी एंड पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो आप पहले जाएंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर और ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जैसे ही ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसी विंडो ओपन होके आएगी। यहां पर हम डालेंगे जिस भी जीएसटीएन को हमें रजिस्टर करना है उस रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर यहाँ डालेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे, गो करेंगे, पूरी डिटेल आ जाएगी। और जो आईडी पासवर्ड हम रखना चाहते हैं वो आईडी पासवर्ड हम रख सकते हैं जीएसटी पोर्टल का। तो जीएसटी साइट का आईडी पासवर्ड अलग होगा और जीएसटी की जो ईवे बिल की जो साइट है उसका पासवर्ड अलग होता है, ठीक है। हमारा आईडी एंड पासवर्ड मैंने पहले बना चुका हूं, तो हम सीधे लॉगिन पे जाएंगे। और ईवे बिल को जनरेट करने की जो वेबसाइट है वो है www.ewebillgst.gov.in, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आईडी एंड पासवर्ड डालने के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये हमें हमारे डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, डैशबोर्ड हमारा, जहां से हम ये देख सकते हैं कि कितने ईवे बिल अभी तक मैंने जनरेट करे हैं, कितने कैंसिल करे हैं, कितने मैंने रिजेक्ट करे हैं, कितने किसी और ने मेरे जीएसटी पर ईवे बिल जनरेट करा है। मैंने किसी और पार्टी का ईवे बिल अगर रिजेक्ट किया है तो वो मैं यहां से देख सकता हूं, और अगर पार्ट बी किसी का पेंडिंग है तो वो मैं यहां से देख सकता हूं। ईवे बिल जनरेट करने के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हमने देखा था रजिस्ट्रेशन के भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसी तरह ईवे बिल जनरेट करने के भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट ए में पूरी डिटेल जाती है, किसको सेल कर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर है नहीं है, क्या आइटम सेल कर रहे हैं, एचएसएन कोड, रेट ऑफ जीएसटी, सभी कुछ। और पार्ट बी में जाती है व्हीकल की डिटेल, ठीक है, जो व्हीकल का नंबर है, ट्रांसपोर्टर की आईडी है, ये सारी चीजें। ईवे बिल जनरेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इनवॉइस हमें चाहिए, इनवॉइस में हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा जिस व्हीकल से ईवे बिल जा रहा है उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये मेरा जीएसटी का डैशबोर्ड है और मैं वहां अब जाऊंगा ईवे बिल पर। ईवे बिल यहां पर जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे टिक करता हूं, कुछ ऑप्शंस मेरे पास सामने आ जाते हैं, जैसे जनरेट न्यू। अगर मुझे एक एक से ज्यादा ईवे बिल जनरेट करने हैं तो बल्क का भी ऑप्शन है, पार्ट बी को अपडेट करने का ऑप्शन है, उसी तरह वैलिडिटी को एक्सटेंड करने का एंड अदर भी है, कैंसिल कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब बहुत से ऑप्शन है। मुझे नया ईवे बिल जनरेट करना है तो मैं जाऊंगा जनरेट न्यू के ऊपर, ये मैंने कर दिया क्लिक। और क्लिक करते ही ये आ गया एक सिंपल सा फॉर्म। ईवे बिल जनरेट करना बहुत इजी है, जो चीजें इनवॉइस में लिखी है इनवॉइस से उठा के यहां पर एंटर कर दीजिए, ईवे बिल जनरेट हो गया। हमसे पूछ रहा है ईवे बिल कैसे आप जनरेट जनरेट करना चाहते हैं, आपने सेल करी है या आप अपनी परचेज के लिए जनरेट करना चाहते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। मुझे सेल के लिए करना है तो मैंने आउटवर्ड पे क्लिक कर लिया। अब ये आपसे पूछ रहा है नॉर्मल सप्लाई है, आपने एक्सपोर्ट किया है, क्या किसी जॉब वर्कर को भेजा है, एसकेडी सीकेडी, मतलब अगर इनवॉइस एक है लेकिन
सामान बहुत ज्यादा है जो एक से ज्यादा व्हीकल में जा रहा है, ठीक है। एक सामान है मेरा, इनवॉइस एक है, लेकिन उसके लिए मुझे 3 ट्रक की जरूरत है। तो जो कोई सामान अगर लॉट में जा रहा है तो एसकेडी, सीकेडी, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन या लॉट। अगर रिसिपियंट नॉट नोन है, हमें ये नहीं पता कि हम किसको भेज रहे हैं, वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, बस हमें उसका एड्रेस पता है, नाम पता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम यहाँ टिक करेंगे। अपने पर्पस के लिए कोई ब्रांच, हम कोई ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं ओन यूज में आ जाएगा, किसी एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हैं, लाइन सेल है, अदर है, तो ये सारे ऑप्शन है कि आपको ईवे बिल किस पर्पस के लिए जनरेट करना है। तो हमारी है नॉर्मल सप्लाई, और 99% केसेस में हम सेल के लिए ही ईवी बिल जनरेट करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा आउटवर्ड, उसके बाद सप्लाई। अब ये हमसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, तो डॉक्यूमेंट टाइप में क्या आएगा, या तो बिल ऑफ सप्लाई अगर आप कॉम्पोजिशन में है, वरना टैक्स इनवॉइस। तो हमारा जो है वो टैक्स इनवॉइस है, तो हम टैक्स इनवॉइस पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस का नंबर, तो इनवॉइस का नंबर जो भी होगा वो हमें इनवॉइस से मिल जाएगा। हम अभी लर्निंग के पर्पज से यहां डालेंगे 01, ठीक है। इनवॉइस इशू करने की जो डेट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं इसको इनवॉइस की डेट जो भी है वो मैं कर देता हूँ, मेरी जो इनवॉइस की डेट है वो है 30 सितंबर की। ओके, अब ये पूछ रहा है कि जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो कैसा है, रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है। क्या मतलब हुआ सर रेगुलर? मतलब ठीक है, कोई बंदा मेरे पास आया गुड्स खरीदने के लिए, मैंने पैसे लिए और गुड्स उसको दे दिया, खत्म, ये हो गया रेगुलर। बिल टू शिप टू, जब हम पढ़ रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है। मतलब बिल मैंने किसी और को दिया, पैसा मुझे कोई और देगा, लेकिन सामान गुड्स मैं किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करूंगा। मतलब बिलिंग किसी और के नाम और डिलीवरी किसी और के नाम, ये होता है बिल टू शिप टू मॉडल। और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम क्या होता है कि जो जहां से जो मेरा ऑफिस है वो कहीं और है, लेकिन जो मेरा गोडाउन है वो कहीं और है, ठीक है। तो बिल मैं कर रहा हूं अपने ऑफिस से, वहां का एड्रेस डाल दिया, लेकिन जो मेरा गोडाउन है वो कहीं और है, तो सामान तो गोडाउन से ही जाएगा, तो वो केसेस कवर हो जाएंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में। और अगर सेकेंड एंड थर्ड का कोई अगर कॉम्बिनेशन है तो वो हम डालेंगे, इस ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3। तो जो हमारा केस है वो है रेगुलर का, हम क्लिक करेंगे रेगुलर के ऊपर, ठीक है। मेरी डिटेल यहां पर शो हो रही है। अब मैंने किसको सेल किया है वो डिटेल यहां मुझे डालनी है, तो मैं डालूंगा जिसको मैंने गुड्स सेल करी है उसका जीएसटीएन नंबर, और अगर जीएसटीएन नंबर नहीं है तो मैं क्या एंटर करूंगा, यूआरपी। यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर जीएसटी नंबर है तो मैं यहां पर जीएसटी नंबर डालूंगा, अदरवाइज यूआरपी एंटर करना होता है। मैं फटाफट डालता हूं यहां पर जीएसटी नंबर, ठीक है। जैसे ही मैंने जीएसटीएन नंबर डाला, अब आप देख रहे हो सारी डिटेल ऑटोफिल हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीएसटी मतलब जीएसटी ई वे बिल जनरेट करना बहुत इजी है, सब चीजें ही अपने आप उठा लेता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है आइटम डिटेल, आपने क्या बेचा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बेचा है मोबाइल, ठीक है, कौन सा मोबाइल, यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मोबाइल है सैमसंग का। एचएसएन कोड मोबाइल का क्या होता है वो हमें, ये इंफॉर्मेशन भी हमें कहां से मिल जाएगी, ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी इनवॉइस से, ठीक है। तो इनवॉइस का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनवॉइस में ही ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो एचएसएन कोड मोबाइल का है 8517, ठीक है। कितनी क्वांटिटी, सपोज 10 क्वांटिटी। यूनिट, यूनिट में हम ये डाल सकते हैं कि एक है कि दो है, तो ठीक है हम एक यूनिट डाल देते हैं यहां पर। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, ये हमसे कह रहा है, अगर जैसे ये कि हमने जो बेचा है वो बैग में बेचा है कि बॉक्स में बेचा है, तो मैं यहाँ क्या डालूंगा कि मैंने बॉक्स में बेचा है, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ BOX, ठीक है, बॉक्स, एक बॉक्स में थे। अगर ये भी गलत होगा तो मुझे बता देगा, ठीक है, सही हो गया। तो यूनिट का मतलब होता है कि हमने पैक में भेजा है, बॉक्स में भेजा है,
बोरी में भेजा है, कैसे भेजा है, तो बॉक्स में भेजा है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो है 28%, यानी कि 14+14। अब मैं आगे चल चल के देखता हूं, तो टैक्सेबल वैल्यू देखिए ये आ रही है 1 लाख, सीजीएसटी एसजीएसटी एंड कितना ये हो गया है 1,28,000 इनवॉइस वैल्यू, बिल्कुल ठीक। यहां तक आते आते मेरा पार्ट ए कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। अब ये मुझसे नीचे क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, ट्रांसपोर्टेशन का नेम पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टर की आईडी पूछ रहा है, और इसने जो डिस्टेंस है ये देखिए अपने आप कैलकुलेट कर लिया है कैसे, ये मेरा पिन कोड और ये क्या है जिसको मैंने बेचा है उसका पिन कोड, तो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है डिस्टेंस। और हमने क्या देखा था, पहले 200 किलोमीटर तक 1 दिन, उसके बाकी के जो 200 किलोमीटर होते हैं या फिर पार्ट दे रहा हूं उसके लिए 1 दिन मिल जाता है, ये हमने देखा था। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मेरे ईवे बिल की वैलिडिटी कितने दिन की है, और ये ऑटो कैलकुलेटेड होकर के आ रहा है, ठीक है। हम रोड से भेज रहे हैं, रेगुलर है। अब मुझे यहां पर डालनी है व्हीकल नंबर, किस फॉर्मेट में डालना है वो मैं यहां से देख सकता हूँ कि किस फॉर्मेट में मुझे डालना है, ये मुझसे यहाँ मुझे ये बता भी रहा है कि कैसे डालना है, AB 1 2 3 4। तो यानी मैं डालूंगा जो भी मेरा व्हीकल नंबर है उसको मैं यहाँ डालूं, अगर ये गलत होगा तो ये बता देगा कि इनवैलिड फॉर्मेट है, तो मैं यहां पर ये भी डाल सकता हूं। अब ये सही है, ठीक है। तो ये मेरा व्हीकल नंबर हो गया। ट्रांसपोर्टर को अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहां पर आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट नंबर अगर कोई है जैसे 003 तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, एक बार सबमिट करके देखूंगा कि क्या कोई एरर तो नहीं है। तो ये एरर दे रहा है कि सम ऑफ द फील्ड मैंडेटरी फॉर जीएसटीआर वन इज नॉट फाइल्ड, डू यू वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू, तो मैं कहूंगा ओके। डॉक्यूमेंट नंबर इज प्रिफर्ड विद 0, इट विल बी रिमूव, मतलब अगर आपने इन्वॉइस नंबर लिखा है 001 तो 00 हटा देगा, वो 1 ही कंसिडर करेगा। मैंने कहा ठीक है। ये देखिए ये मेरा ईवे बिल जनरेट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी बार बार देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और जो हमारा कोर्स है अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।